नमस्कार, आईपा मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज की समस्याओं की और हम बात करते हैं समाज की विकास की। आज इसी मंच पे हमारे साथ हैं नगर पालिका चित्रकूट के वार्ड नंबर 21 के सभासद अनुज निगम जी। जानते हैं किस तरह से समाज में इनके नगर पालिका में अभी कुछ काम कराना बाकी है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। हमारे इस मुहिम पर आप क्या, आपकी क्या राय है? आईपा पहली बार, तो आईपा मंच पर पहली बार आया, आईपा मंच को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अनुज जी, आप चित्रकूट जिले के नगर पालिका से वार्ड नंबर 21 से सभासद हैं, तो आपके वार्ड नंबर 21 में अभी कभी जो है लगातार क्या जन समस्याएं हैं? जैसे वार्ड में, जैसे आपकी जो राशन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, मेरे वार्ड में कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में पात्र हैं, उनका राशन ही नहीं बना। जो पात्र हैं, जिन लोगों का राशन बना है, उन लोग की यूनिट ही गायब है। एक घर में अब मान लीजिए 6 सदस्य हैं, 6 यूनिट का राशन है, तो ये स्थितियां है कि 3 लोग की यूनिट ही काट दी गई। वो बेचारे जा रहे हैं 10-10 चक्कर जिला कूद कार्यालय के लगा रहे हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी और शासन ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे। हम कई बार डीओसओ साहब से बात की है, जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान मामला है, FDM मैडम को संज्ञान में मामला, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, जनता बिचारी घूम रही है। अभी कौन कौन से कार्य रह गए हैं, क्योंकि सन 2023 में नगर पालिका के चुनाव है और 4 साल भी पूरे हो गए हैं आप सभासद हुए, तो कौन कौन से अभी कार्य अधूरे रह गए हैं वो जनता जानना चाहिए। भैया सबसे मेन काम वार्ड नंबर 21 में मेरे 2 घाट आते हैं, एक नाव घाट के नाम से जाना जाता है, एक राजा घाट के नाम से जाना जाता है। जो राजा घाट और नाव घाट में कार्तिक के समय महिलाओं का जत्था का जत्था, हजारों महिलाएं स्नान करने जाती हैं, और वो घाट आज नहीं, आज कई वर्षों से जब जब पड़ा हुआ है और उस पर शासन प्रशासन और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उस पर, और कई बार इस मामले को उछाला गया, DM साहब से ये मामले को संज्ञान में दिलाया गया, FDM मैडम को, नगर पालिका में 10वीं बार बैठक में बात उठाई गई, नगर पालिका अध्यक्ष जी के कानों में जू नहीं रेंग रही ना। नाव घाट इससे जो घाट है वो छोटा घाट है, वहाँ पे वो तो बस्ती के बीच में, वहाँ पे घाट के बगल में कस्बा बसा हुआ है, वहाँ पे 300-400 के लगभग वहाँ पे लोग रहते हैं, उसका जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बूढ़ी महिलाएं हैं, जाती नहाने सीढ़ियां तक नहीं है उस घाट में। ये स्थितियां है, अभी एक मृत्यु भी हो चुकी है, पैर फिसल गया और औरत गिर गई, वृद्ध औरत एक्सपायर हो गई। तो क्या लगता है कि नगर पालिका इस कार्य कराने के सहयोग नहीं कर रही? करता ही नहीं नगर पालिका, ना नगर पालिका कर रही, ना सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग के आशुतोष जी हैं, CM साहब हैं, उनसे कई बार हमने रिक्वेस्ट करी, अरे आपके ये नगर पालिका और सिंचाई विभाग तो छोड़िए। क्या लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष हो या नगर पालिका अधिकारी हो, तो आपके जो कार्य कराना चाहते हैं आप सहयोग करते हैं? नगर पालिका भाई अपनी बात रखी जाती है, बैठक में भी रखते हैं, और कुछ ऐसे कार्य हुए हैं हाँ सहयोग करते हैं, कुछ कार्यों में नहीं करते भाई। डूडल विभाग से और नगर पालिका में जो कॉलोनिया PM आवास दिया जाता है, तो उसमें लोगों को समस्याएं हो रही हैं और जो गरीब हैं उनको नहीं मिल पा रही। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो वास्तव में पात्र है, उनकी सर्वे में उनको अपात्र कर दिया जा रहा है, और मेरे पास आज भी मेरे अगल बगल वार्डों में और मेरे वार्डों में भी जो वास्तव में बहुत ही गरीब है, जब जा रहे झोपड़ी डाल के रह रहा है, वो बोल रहा भैया वो सर्वे करने वाले आए रहे हैं, उन पैसा मांगा 10,000 दे दो तो पात्र कर दे, जो वास्तव में पात्र उससे पैसा मांगा जा रहा है। पता नहीं शासन क्या कर रही है, शासन के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों से पैसा लेके पात्र अपात्र किया जा रहा है, ये तो गलत बात है। तो जो वास्तव में पात्र है उसको मिलना चाहिए, उस पक्ष धर्म में नहीं मिलता तो हम कुछ दिन में आवाज उठाना शुरू करेंगे, और मेरे वार्ड में इसलिए 5-6 लोगों का पास कर दिया था। धन्यवाद। ये थे चित्रकूट जिले के नगर पालिका वार्ड नंबर 21 के सभासद
अनुज निगम जो बता रहे हैं कि हम दल के कारण जो हम सपा दल से हैं और कुछ भाजपा से जैसे हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो इस दल होने के कारण हम जा करके अपने वार्ड में कुछ काम नहीं करवा पाए हैं, जिसके चलते काफी काम अधूरे रह गए हैं।